अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 डिफरेंट फ्लेवर्स के दिन समोसे बनाना सिखाऊंगी। आप मेरी और भी रेसिपीज ट्राई करें और नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रिंग समोसा बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 कप मैदा लिया है। इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और 1/4 टीस्पून मंगरेल। इसे अच्छे से मिक्स करें। अब आप इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लें ताकि जो मैदा है वो अच्छे से मोइन हो जाए। देखिए मैदा बिल्कुल अच्छे से मोइन हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सेमी सॉफ्ट आटा गूंदकर तैयार कर लेंगे। मैदे को अच्छे से मसल मसल कर आप इसे गूंदकर तैयार कर लें। अब आप इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख दें। ये मैंने कीमा का स्टफिंग लिया है। इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे शेयर की है, लिंक आपको ऊपर राइट हैंड कॉर्नर पर शो हो रहा होगा। इसमें मैंने प्रोसेस चीज भी ऐड किया है, आप चाहें तो इसमें चीज ना ऐड करें, वो ऑप्शनल है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। 10 मिनट बाद आप मैदे को एक बार गूंद लें, फिर आप इसमें से 1 टुकड़ा लें और इसको स्क्वायर शेप में आप पतला बेल लें। हमें इसको बिल्कुल पतला बेलना है क्योंकि अगर हम इसे मोटा बेलेंगे तो जो समोसा है वो अंदर से कच्चा रह जाएगा। इस तरह से आप इसको बेल लें। अब आप इस पे 3 से 4 टीस्पून स्टफिंग रख दें जो हमने तैयार करके रखा था। साइड का हिस्सा थोड़ा सा कट कर लें, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करें। फिर 1-1 इंच के गैप पर आप इस तरह से कट लगा लें, आप एंड तक ना काटें इसे। ये मैंने मैदे और पानी का गाढ़ा सा पेस्ट बनाया है, इसे आप एंड पर लगा लें और इसको इस तरह से रोल कर लें। सेंटर में आप थोड़ा सा प्रेशर देके रोल करें ताकि ये बीच में मोटा ना रह जाए। दोनों एंड पर आप मैदे का पेस्ट लगा लें। ये जो हमने स्ट्राइप कट की थी इसे आप बीच में रख के और इस तरह से आप दोनों एंड को इस तरह ज्वाइन कर लें। रिंग समोसा तैयार है। इसी तरह से आप बाकी के समोसे बना लें। एक कढ़ाई में ऑयल गरम कर लें। जब ऑयल हल्का गरम हो तब आप इसमें समोसे डाल दें। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखें। ध्यान रखें कि जो तेल है वो बिल्कुल हल्का गरम होना चाहिए। आप इसमें पनीर की स्टफिंग, क्यूब चिकन की स्टफिंग, मावा की स्टफिंग या फिर श्रेडेड चिकन की स्टफिंग भी डाल सकते हैं। सारे स्टफिंग की लिंक्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो आप उसे क्लिक करके डायरेक्ट मेरी रेसिपी पे जा सकते हैं। 5 मिनट बाद आप गैस का फ्लेम मीडियम पे कर दें और इसे पलट के दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। इसे फ्राई होने में कम से कम 10 से 15 मिनट लगता है।
ऐसा करने से समोसा जो है वो हमारा एकदम क्रिस्पी बनता है। ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब आप इसे तेल से निकाल लें। इसी तरह से आप बाकी के समोसे भी फ्राई कर लें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।